हुआ है कि इन्होंने जो है हमने गाड़ी आगे लगा के रोकी है और इन्होंने जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोग खूब लड़ो टेम्पो बस मगर शीशा न तोड़ो बस न तोड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन, मैं हूं नमन अग्रवाल। किदवई नगर चौराहे पर सवारी भरने के विवाद में टेम्पो न हटाने पर अड़े चालक ने ई बस के चालक को पीट दिया। विरोध करने पर कई टेम्पो चालक इकट्ठा हो गए। ईंट से दो बसों पर पथराव करके उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वारदात में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR लिखाई जा रही है। घटनाक्रम के मुताबिक आज दोपहर किदवई नगर चौराहे पर कुछ टेम्पो वाले भी सड़क पर सवारियां भर रहे थे, तभी वहां पर फूलबाग जाने वाली ई बस और राजा राम चौराहे से आ रही ई बस के चालक ने रास्ता ना मिलने पर हॉर्न दिया। ई रिक्शा और टेम्पो वालों ने अपने वाहन नहीं हटाए तो ई बस चालकों ने उतर कर विरोध जताया। इस पर पहले तो टेम्पो संचालकों ने उनके साथ हाथापाई की, इसके बाद बिना इस बात की परवाह किए कि भीतर सवारियां बैठी हैं, इन लोगों ने बसों पर ईंटें चला दिए, जिससे एक बस का साइड का शीशा टूट गया तो वहीं दूसरी बस भी साइड से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सवारियों की मिन्नत पर टेम्पो चालक माने। इस बीच किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को पूरी घटनाक्रम की सूचना दे दी। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बसों को रवाना किया। ई बस का संचालन देख रहे COO DV सिंह और हंसा एंटरप्राइजेस का काम देख रहे RK उपाध्याय ने बताया कि मामले में अज्ञात टेम्पो चालकों के खिलाफ FIR बाबूपुरवा थाने में दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि हमलावर टेम्पो चालकों की शिनाख्त की कोशिश हो रही है, तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बसों पर हमले को गलत बताते हुए टेम्पो चालकों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि आपसी खुन्नस तो ठीक है पर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है, क्या हुआ, बस भिड़ गई आपस में? भैया बस नहीं भिड़ी, हम यही लोकल के हैं, पीछे हमारी शॉप है और महोत्या जी इनके भी पीछे शॉप है, हम लोग वहीं थे। यहाँ पे जगह पे टेम्पो वाला खड़ा था, पीछे से बस आई, बस हॉर्न दे रहा था, टेम्पो वाले ने हटाई नहीं, तब तक दूसरी बस आ गई, वो रुकने लगा तो ड्राइवर उतरा तो उसने कहा होगा, फिर लोगों की कहा सुनी हुई टेम्पो वाले ड्राइवर बस वाले ने, उसमें फिर कहा सुनी में गाली गली हुई, हाथापाई हुई, उसके बाद यहाँ पे सबने खेल लिया बस वालों को, फिर बस वाले मारे गए, फिर उसी की कोई टेम्पो वाले ने ही यहीं का लोकल जो भी होगा उसने उठाए दो घूमे इस जगह से और बस में मारे, बस के शीशे टूट गए। अब सैकड़ों आदमियों की भीड़, अब ये चौराहे से देखिए अभी बात हो रही कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई, ये सब लोकल यहीं के हैं, कोई सामने का है, कोई गली का है, कोई टेम्पो वाले हैं, कोई चारों तरफ आपके सब यहीं के लोग सवारी भरने, समझ लीजिए और क्या, हटा लेता वो थोड़ा आगे बढ़ा लेता चला जाता, झगड़ा ही नहीं होता। जब से ई बसें चालू हुई तब से ये विवादित में रही, कहीं कहीं एक्सीडेंट कर दी, कहीं ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर दी, आए भी इसके साथ बवाल होता है, तो कैसा इनका संचालक हो रहा है? भैया यहाँ पे आज कोई ना ऐसा संचालन की बात थी ना एक्सीडेंट की बात थी, सवारी भरने को लेकर, सवारी भरने के बस को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी इसलिए ये सब बातें हुई। उसका बस के ड्राइवर ने विरोध किया कि टेम्पो बढ़ाओ, पहले हॉर्न देगा था उतर गया, उसी में कहा सुनी गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, उसी पर इन लोगों ने टेम्पो वाले ने शीशा उसका गिर के तोड़ा मारा पीटा। मैं राम मेहरोत्रा, मेरा नाम है, पीछे हमारी शॉप है। आज टेम्पो वाले एक टेम्पो सड़क चौराहे पर खड़ा हुआ था, पीछे से ई बस आई है और ई बस ने टेम्पो वाले से जगह मांगी, मगर वो सवारी भरने में व्यस्त था, उसको खतरा लगा कि ऐसा ना टेम्पो से उतर के सवारी चली जाए, लिहाजा वो बस वाले को निकलने नहीं देना चाहता था, इसी बात में गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, टेम्पो वालों ने मिल करके बस वाले के संग मारपीट की, मारपीट करने के बाद हमें इन सब बातों से कोई तकलीफ नहीं, खूब लड़ो खूब झगड़ो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ोगे तो तकलीफ होगी। हम बसों को क्षति आई है, दो बसों को उनका फ्रंट का शीशा टूटा है, ये बात ठीक नहीं है, ये हम लोगों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोग खूब लड़ो टेम्पो बस मगर शीशा न तोड़ो बस न तोड़ो। रूट से अगर बस चली जाएगी तो आप समझिए एयर कंडीशन बसों में जनता को कितना आराम, 5 रुपए में घंटा घर जा रहे हैं, उन गरीबों के विषय में तो सोचो यार, बस तोड़ने से रखा क्या। या मेरा नाम विजय मिश्रा है और मेरी यहीं पे आगे दुकान है चौराहे के पास। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ टेम्पो की अराजकता बहुत ज़्यादा है, होता क्या है वो सवारी भरने के चक्कर में ना किसी को देखते हैं, ना बसों को देखते हैं, ना सवारियों को देखते हैं, बस घुस जाते हैं टेम्पो लेके। और अभी क्या हुआ, आज मामला ये था कि एक बस आ रही थी अपने रूट से और टेम्पो वाले आगे खड़े थे, जहाँ बस का अड्डा है जहाँ रुकती है वहाँ अपनी बस आ रही थी, लेकिन टेम्पो वहाँ पहले से खड़ी थी, उसने उसको जगह नहीं दी बस वाले को,
और इसी मामले को लेकर उनसे आपस में कहा सुनी हुई, बहस हुई और मारपीट हो गई। टेम्पो वाले अपना उनका भी स्टैंड है तो इस वजह से उन्होंने अपना कई लोगों ने मिलकर बस का शीशा तोड़ा और बस वालों से मारपीट करी। बाकी आगे प्रशासन, दो बसें तोड़ी गई हैं और शीशे तोड़े, बिल्कुल बिल्कुल ये सब देखने को मिलता है तो बड़ा अफसोस होता है। बाकी हमारी सब प्रशासन से विनती है कि अभी तो नहीं की, लेकिन पुलिस आ गई थी, 100 नंबर डायल हुआ था 112 नंबर, तो पुलिस आ गई थी। तो पुलिस काफ़ी करीब 15-20 मिनट हो गए तब आ पाई थी पुलिस। एक्चुअली क्या होता है, फ़ोन भी करने में समय लगता है, अभी तुरंत तो कर नहीं देता है, तो उसके बाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।